नमस्कार दोस्तों, गांधी प्राइवेट आईटीआई पास कार्टून की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के ऊपर हम बातें करेंगे। तो देखिए कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, ट्रांसफार्मर होता क्या है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वह इसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो देखिए, ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थिति की युक्ति है जो कि वैद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करने का कार्य करती है। क्या करती है भाई? वैद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करने का कार्य करती है तथा ट्रांसफार्मर के द्वारा जो वोल्टता होती है, वोल्टता का अपचयन या उच्चयन किया जाता है। जैसे कि कहा जाए कि वोल्टता को स्टेप डाउन और स्टेप अप करने के काम में आता है क्या, ट्रांसफार्मर। तो देखिए, स्टेप अप का मतलब होता है कि भाई वोल्टता का स्टेप अप या उच्चयन कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लाइन वोल्टेज है, वो लाइन वोल्टेज आ रही है आपके पास 440 वोल्ट। कितनी आ रही है? 440 वोल्ट। तो इस 440 वोल्टेज का उच्चयन या स्टेप अप करके इसको क्या किया जाएगा? ये मान लीजिए आपके ट्रांसफार्मर लगाया गया, तो इस ट्रांसफार्मर के द्वारा इसे 11,000 वोल्ट, 650 वोल्ट इन रूपों में 440 वोल्ट से ऊपर जितने भी वोल्टेज में बढ़ाए जाएंगे तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा किया जाता है या वोल्टता का उच्चयन उच्चयन किया जा रहा है। यहाँ पर वोल्टता का क्या किया जा रहा है? उच्चयन किया जा रहा है। 440 वोल्ट से 1100 वोल्टेज, 11,000 वोल्टेज, 650 वोल्टेज जितने भी हम बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? इसका उच्चयन। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ट्रांसफार्मर के द्वारा अपचयन कैसे किया जाता है, ट्रांसफार्मर के द्वारा अपचयन कैसे किया जाता है। तो देखिए, जैसे कि हमारे कृषि के काम में आती है 440 वोल्टेज, कृषि उपकरणों को जैसे कि आपके ट्यूबवेल वगैरह की जो मोटर है वो चलाई जाती है 440 वोल्ट से। कितने से? 440 वोल्ट से। तो देखिए, जो हमारे लाइन वोल्टेज है वो आती है आपके पास 11,000 वोल्टेज। लाइन वोल्टेज कितनी होती है? 11,000 वोल्टेज। इससे पहले आती है वो होती है 33,000 वोल्टेज। तो 33,000 वोल्टेज को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा, 33,000 वोल्टेज को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा 11,000 वोल्टेज में 33,000 वोल्टेज का अपचयन करके उसको डाउन करके 11,000 वोल्टेज में उनमें परिवर्तित किया जाता है। कितने वोल्ट में? 11,000 वोल्ट में परिवर्तित किया जाता है। और 11,000 वोल्ट को जो हमें कृषि उपकरणों को चलाने के लिए जो काम आती है हमारे पास 440 वोल्टेज, तो 11,000 वोल्टेज का स्टेप डाउन करके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से हम 440 वोल्ट प्राप्त करते हैं। कितना करते हैं? 440 वोल्टेज। दूसरी बात यह है कि जो हमारे घरेलू उपकरणों को चलाने में सहायक है, तो हमारे घरों में जो विद्युत आती है वो आती है 230 वोल्टेज। वो भी क्या करती है? 11,000 लाइन वोल्टेज को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से 230 वोल्ट में परिवर्तित की जाती है। 230 वोल्ट में परिवर्तित की जाती है 11,000 वोल्ट को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से 230 वोल्ट में परिवर्तित की जाती है। एक है तो आपने यहां पर लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर या परिणामित, ट्रांसफार्मर या
देखिए भाई, तो परिचय है, परिचय में यही बताया जाएगा आपको कि ट्रांसफार्मर क्या है, क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक स्थिति युक्ति है जो वैद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ तक, दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है। तो ट्रांसफार्मर क्या है भाई? ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थिति युक्ति है जो वैद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है। दूसरे शब्दों में कि ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है कि वोल्टेज को अपचयन या उच्चयन करता है, वोल्टेज का अपचयन या उच्चयन करता है। जो आपके ट्रांसफार्मर है, क्या है ट्रांसफार्मर है, वो सिर्फ एसी सप्लाई पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है, सिर्फ एसी सप्लाई पर कार्य करता है, ना कि डीसी पर। ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी पर या दृष्ट धारा पर कभी भी कार्य नहीं करता है, सिर्फ किस पर करता है, एसी पर। आगे देखिए ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या है भाई। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत तो भाई इसका कार्य सिद्धांत क्या है देखो। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सबसे पहली बात तो यह हमारे पास कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। तो ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत को देखिए भाई कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो
अनोल्य प्रेरण के सिद्धांत पर, किस पर करता है? अनोल्य प्रेरण के सिद्धांत पर। अब अनोल्य प्रेरण है क्या चीज? ये इंडक्शन है, तो इंडक्शन है वो क्या चीज है? प्रेरण। प्रेरण का मतलब होता है कि एक जैसे कि हमारे पास ये ट्रांसफार्मर है, ये इसकी लैंडिंग पेड को इधर आप तैयार कर देंगे सेकेंडरी लाइनिंग, तो देखिए ये तो हो गया आपके प्राइमरी लाइनिंग। ये हो गया आपके सेकेंडरी लाइनिंग। तो वो एक प्राइमरी प्राइमरी लाइनिंग है, ये क्या है? ये आपके सप्लाई स्रोत हो गया। तो यहां से इनपुट किया जाता है, प्राइमरी लाइनिंग से क्या किया जाता है? इनपुट किया जाता है ये हमारे मुझे दोनों सप्लाई टर्मिनल क्या हो गया ये सप्लाई टर्मिनल, ये हो गई आपके लैमिनेटेड कोर। ये हो गई आपके सेकेंडरी लाइनिंग, और ये हो गया आपका आउटपुट। क्या हो गया? आउटपुट। यहां से हम इन टर्मिनलों पर क्या जोड़ देंगे? इन टर्मिनलों पर जोड़ देंगे हम प्रदाय को। क्या जोड़ देंगे हम? प्रदाय। प्रदाय का मतलब है कि हमारे पास कोई भी उपकरण है उसको हम प्रारंभ करेंगे इसके आउटपुट में। अब बात आ रही है प्रेरण की। बात किसकी आई है? प्रेरण की। तो प्रेरण क्या है? प्रेरण क्या है? तो देखिए हमने जो इनपुट है यह सप्लाई करने वाले क्या है? इनपुट या सप्लाई टर्मिनल है। यहां से हमने ट्रांसफार्मर को क्या दी थी? सप्लाई दी। यहां से हमने ट्रांसफार्मर को क्या दिया? सप्लाई दी। सप्लाई देने पर क्या हुआ कि प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो गई। प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर क्या हुआ? विद्युत धारा प्रवाहित हुई, और इसके अंदर से जब विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो लैमिनेटेड कोर के माध्यम से इसमें क्या हुआ कि चुंबकीय बल उत्पन्न हो गए। इनमें क्या हुआ? चुंबकीय बल उत्पन्न हो गए। चुंबकीय बल उत्पन्न हुआ। वो चुंबकीय बल क्या करता है कि चुंबकीय जो रेखा है चुंबकीय बल के अंदर वो क्या करती है कि सेकेंडरी वाइंडिंग के तारों को काटती है। सेकेंडरी वाइंडिंग के तारों को काटती है चुंबकीय बल रेखा है। इनके काटने पर सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर क्या होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो वो विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न हुआ? इस चुंबकीय बल के माध्यम से। किसके माध्यम से हुआ? इस चुंबकीय बल के माध्यम से। इन दोनों के मध्य में कोई संबंध नहीं है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के मध्य में कोई संबंध नहीं है। दोनों के दोनों बीच में से कहीं से स्पर्श नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या हो रहा है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए यहां से प्राइमरी वाइंडिंग में की कुंडली में जब विद्युत धारा उत्पन्न होगी प्रवाहित होगी तो इसके बाद में इसमें क्या होगा कि चुंबकीय बल उत्पन्न होगा, और उस चुंबकीय बल के अंदर उसमें चुंबकीय फ्लक्स होते हैं,
तो दस ये रेखा है कि सेकेंडरी वाइंडिंग की कुंडली को काटेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग की कुंडली को काटेंगे तो इनके अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर क्या होगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और वो विद्युत वाहक बल है तो क्या रहेगा? उस विद्युत वाहक बल को हम सेकेंडरी वाइंडिंग के जो आउटपुट के जो टर्मिनल है जिनसे हम प्रदाह को जोड़ते हैं उनके माध्यम से हमको क्या मिल जाएगी? विद्युत धारा मिल जाएगी। तो देखिए ट्रांसफार्मर के कार्य सिद्धांत में यह है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रेरण का केवल प्रत्यावर्ती सप्लाई में या प्रत्यावर्ती धारा में अस्तित्व है। प्रत्यावर्ती धारा में अस्तित्व कैसे है इसका? भाई प्रत्यावर्ती धारा में इसका अस्तित्व कैसे है कि जो प्रेरण होता है वो एसी के द्वारा उत्पन्न होता है। प्रेरण किसके द्वारा उत्पन्न होता है? एसी के द्वारा, अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा प्रेरण। तो ये देखो जो ट्रांसफार्मर है इसका प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तनीय होता है। प्राइमरी वाइंडिंग में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रत्यावर्ती स्वभाव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो
चुंबकीय क्षेत्र से तो उस चुंबकीय क्षेत्र से द्वितीय कॉइल में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ईएमएफ। ठीक है भाई, अब देखिए इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जबकि प्राइमरी व सेकेंडरी, जबकि प्राइमरी व सेकेंडरी का द्वितीय द्वितीय वाइंडिंग के मध्य कोई वैद्युतिक संबंध नहीं होता है, कोई वैद्युतिक संबंध नहीं होता है। ठीक है भाई, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र से द्वितीयक वाइंडिंग में क्या होता है विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जबकि प्राइमरी या सेकेंडरी या द्वितीयक दोनों वाइंडिंगों के मध्य में कोई वैद्युतिक संबंध नहीं होता है। अब आगे देखिए ट्रांसफार्मर की संरचना। देखिए ट्रांसफार्मर की संरचना, तो ट्रांसफार्मर की संरचना निम्न प्रकार है। देखो ये आपके इक्वेशन होने जा रही है ट्रांसफार्मर की। तो देखिए ये हम तैयार कर रहे हैं ट्रांसफार्मर, ये बना रहे हैं इसकी कुंडली, ये बन गई आपकी प्राथमिक वाइंडिंग या प्राइमरी वाइंडिंग, प्राथमिक वाइंडिंग या शब्दों में कहा जाए तो प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है भाई, ये हो गया आपके एसी का स्रोत है, यहां से हम ट्रांसफार्मर को एसी धारा दे लेंगे। ठीक है भाई,
ये हो गए आपके सप्लाई टर्मिनल, ये हो गया आपके एसी स्रोत, ये हो गए आपके लैमिनेटेड, आप देखिए ये हो गए आपके जीवन वोल्टेज नंबर एक, ये हो गया बी टू, ये हो गए आपके लोड टर्मिनल, ये हो गए आपके द्वितीय, जस्ट सेकेंडरी वाइंडिंग, द्वितीय क्या सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है भाई। क्या हो गया ये आपके ट्रांसफार्मर की संरचना हो गई, ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर आपके सामने तैयार है। अब देखिए कि ट्रांसफार्मर के भाग कौन कौन से हैं इसके अंदर, ट्रांसफार्मर के भाग कौन कौन से हैं इसके अंदर, ये आपके प्राइमरी वाइंडिंग है और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग, ये आपके हो गई लैमिनेटेड कोर, क्या हो गई लैमिनेटेड कोर, जो कि बनी होती है किसी स्टील की, आप इसको ये भी लिख सकते हो लैमिनेटेड स्टील कोर, क्या हो गई लैमिनेटेड स्टील कोर, ये हो गई आपके सेकेंडरी वाइंडिंग, क्या हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग, ये हो गई आपके लोड टर्मिनल जिनसे प्रदायक को जोड़ा जाता है, लोड टर्मिनल से क्या किया जाता है प्रदायक को जोड़ा जाता है, यहां से हम इसको सप्लाई दे देंगे इसी द्वारा, तो ये हो गए दोनों क्या हो गए सप्लाई टर्मिनल, इन सबको नीचे लिखो, ट्रांसफार्मर के भाग इसके मुख्य भाग निम्न है, इसके मुख्य भाग निम्न हैं, नंबर एक वाइंडिंग, नंबर दो लैमिनेटेड स्टील कोर, लैमिनेटेड स्टील कोर नंबर तीन कंटेनर,
नंबर चार, टर्मिनल। नंबर चार क्या होगा? टर्मिनल। तो देखिए ट्रांसफार्मर के अंदर सवालों में आते हैं, नंबर एक वाइंडिंग है, नंबर सेकंड है लैमिनेटेड स्टील और नंबर थ्री है आपके कंटेनर और नंबर फोर है क्या टर्मिनल। तो देखा भाई आपने ट्रांसफार्मर के भाग कौन कौन से हैं, नंबर एक वाइंडिंग, नंबर एक क्या है वाइंडिंग है और ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है, ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। तो नंबर एक हो गया, देखो एक मिनट, वाइंडिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, नंबर दो होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग को कहा जाता है प्राथमिक वाइंडिंग, ठीक है भाई, द्वितीयक सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगी, द्वितीयक वाइंडिंग तो प्राइमरी जैसे कि ये आपकी एक कुंडली तैयार हो गई, क्या हो रहा है भैया, एक कुंडली तैयार हो गई आपके, तो इसी कुंडली को प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर रख दिया, क्या रख दिया इसको प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर रख दिया। जो इसमें टर्न होते हैं, इसमें क्या होते हैं, जो टर्न होते हैं, टर्नों की संख्या, जो टर्नों की संख्या जो आवश्यक हमको जितना फ्लक्स घनत्व उत्पन्न करना होता है, वो जितना फ्लक्स घनत्व उत्पन्न करना होता है उसी के आधार पर इन टर्नों की संख्या निर्धारित की जाती है, उसी के आधार पर ये टर्नों की संख्या निर्धारित की जाती है। नंबर दो सेकेंडरी वाइंडिंग है आपके, नंबर दो क्या है सेकेंडरी वाइंडिंग, जिस वाइंडिंग से स्रोत को या प्रदाय को जोड़ा जाता है, जिस वाइंडिंग से स्रोत को या
इंसुलेटेड किया जाता है कि वो एक तरीके से विद्युत की कुचालक बन जाए, विद्युत की क्या बन जाए, वो कुचालक बन जाए, और उसके बाद में उसको ट्रांसफार्मर में स्थापित किया जाता है। तीसरा है कंटेनर। तीसरा क्या है? कंटेनर। कंटेनर एक प्रकार का टैंक है। कंटेनर क्या है? एक प्रकार का टैंक है। तो कंटेनर होता क्या है? टैंक है, आपको बता दिया। कंटेनर के अंदर ऑयल भरा जाता है। कंटेनर के अंदर क्या भरा जाता है? ऑयल भरा जाता है, तेल भरा जाता है। वो तेल इंसुलेटेड होता है। कैसा होता है? इंसुलेटेड। या फिर वो तार ऑयल है, या फिर वो ऑयल है, वो क्या करता है कि इंसुलेशन का काम करता है उसके अंदर। ट्रांसफार्मर के अंदर क्या करता है? इंसुलेशन का काम करता है। और दूसरा जो ट्रांसफार्मर होता है उसको ठंडा रखने में सहायक होता है। ट्रांसफार्मर को क्या करता है? ठंडा रखने में सहायक होता है। उसके बाद है टर्मिनल। उसके बाद क्या है? टर्मिनल। तो टर्मिनल क्या होते हैं? टर्मिनल क्या होते हैं? टर्मिनल होते हैं जैसे आपको ट्रांसफार्मर के अंदर दिखाया गया था कि एक जो एसी स्रोत से जुड़े हुए थे, एसी स्रोत से जो सप्लाई टर्मिनल थे वो जुड़ रहे थे, तो वो तो क्या हो गया? सप्लाई टर्मिनल या इनपुट वाले टर्मिनल। जो ट्रांसफार्मर अपने अंदर धारा ले रहा है जिस टर्मिनल से, वो क्या हो गए? इनपुट टर्मिनल। वो क्या हो गए? इनपुट टर्मिनल। और जिन टर्मिनलों के द्वारा बाहर की तरफ या लोड जिधर लोड जुड़ा हुआ है जिन टर्मिनलों पर, वो हो गए लोड टर्मिनल। तो एक ये वाइंडिंग दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो देखिए नंबर एक, प्राइमरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग में अभी बताया था आपको कि जो एसी सप्लाई सोर्स से जुड़ी हुई होती है। तो देखिए भाई प्राइमरी वाइंडिंग, जिस वाइंडिंग को एसी विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, वह प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। वह प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। इसे बॉबिन के ऊपर कुंडली बनाकर इसे बॉबिन के ऊपर कुंडली बनाकर टर्न देकर निर्मित की जाती है, निर्मित की जाती है। इसमें चक्करों की चक्करों की संख्या आवश्यक फ्लक्स घनत्व
उत्पन्न करने की क्षमता के अनुसार दी जाती है। क्या हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। तो क्या होती है भाई सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो आपके देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग वो क्या है आपकी जिस वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है जिस वाइंडिंग को लोड से या प्रकाश से संयुक्त किया जाता है लोड से या प्रकाश से संयुक्त किया जाता है वो कहलाती है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। क्या कहलाती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो तार दिए जाते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं चालक में से जो प्रवाहित धारा होती है उसमें से जो धारा प्रवाहित होती है उसके आधार पर निर्भर करता है क्या तार का जिस वाइंडिंग को लोड से संयोजित किया जाता है जिस वाइंडिंग को लोड से संयोजित किया जाता है सेकेंडरी या द्वितीय वाइंडिंग कहलाती है। द्वितीय वाइंडिंग कहलाती है। इसमें प्रयुक्त तार का आकार प्रवाहित प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है। प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है। तो क्या हुआ भाई सेकेंडरी वाइंडिंग आपके जिस वाइंडिंग को लोड से संयोजित किया जाता है वो कहलाती है आपके द्वितीय वाइंडिंग। कौन सी कहलाती है द्वितीय वाइंडिंग जिस वाइंडिंग को लोड से संयोजित किया जाता है कहलाती है द्वितीय वाइंडिंग। और जो द्वितीय वाइंडिंग के अंदर जो तार प्रयुक्त किए जाते हैं वाइंडिंग में वो वाइंडिंग तार होते हैं वो किसके आधार पर निर्भर करते हैं वो उसमें से तार में से जो धारा प्रवाहित होती है तार में से जो धारा प्रवाहित होती है उस पर निर्भर करते हैं क्या सेकेंडरी